आर्म बेस्ड विंडोज लैपटॉप्स आए थे भाई, जिसमें स्नैपड्रैगन एक्स एलीट, स्नैपड्रैगन एक्स प्लस आया था, लेकिन प्राइसिंग थी बहुत ज्यादा। हमने भी काफी रिव्यू किया अपने चैनल पे, भाई 1 लाख 1.2 लाख तक प्राइस आती है। लेकिन ये जो लैपटॉप है 65990 में स्नैपड्रैगन एक्स हमारे को मिलता है। बेसिकली एक्स जो है लोअर वेरियंट ऑफ स्नैपड्रैगन है, एक्स के बाद एक्स प्लस और एक्स एलीट, ये इनके अलग अलग हायरार्की है। ये बिल्कुल बजट वाला हिसाब किताब है, लेकिन ऐसे नहीं आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आता है 45 टॉप्स के एनपीयू के साथ, यानी कि एआई रेडी, को पायलट प्लस सर्टिफाइड, और बहुत सारी चीजें जो हमने इस लैपटॉप की टेस्ट करी है। कहीं कहीं पे अच्छा है, कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे है, सारी डिटेल में कवर करेंगे और बताएंगे आपको। इस लैपटॉप का मॉडल है Asus VivoBook 1607QA करके, वैसे ना टाइटल में भी आ रहा होगा, सर्च करने में ही रहता है क्योंकि VivoBook में बहुत सारे लैपटॉप है। तो डब्बा अपन ही खोल रहे, आपको कुछ एक ऐसा लैपटॉप मिल जाएगा बॉक्स के अंदर से, एंड साथ में पावर कॉर्ड और एक 65 वॉट का पावर अडाप्टर, यस टाइप सी वाला। और भाई मेरे को ये चीज Asus की बहुत बढ़िया लगी, अब तो हर ब्रांड को अडाप्ट कर लेनी चाहिए। यूजुअली ब्रांड्स क्या करते हैं, बजट वाले लैपटॉप तो लॉन्च करते हैं, लेकिन हमारे पास जो यूनिट आती है ना, वो सारी फ्लैगशिप वाली महंगी महंगी भेज देते हैं। अब इंडिया में जो ऑडियंस है ना, 50,000 से लेके 1 लाख वाले लैपटॉप्स की ज्यादा है, तो मैं चाहता हूं कि ब्रांड्स भी इस तरीके से बजट वाले लैपटॉप जो लॉन्च करते हैं वो हम तक भेजें, ताकि जनता तक वो चीज पहुंच पाए एकदम बढ़िया तरीके से। शाबाश भाई साहब। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा लैपटॉप का डिजाइन हमारे को मिल जाता है, यहाँ पे पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के अंदर है। वैसे इसके अंदर हमारे को दो कलर मिलेंगे, हमारे पास जो है वो कूल सिल्वर है, एक क्वाइट ब्लू भी इसके अंदर है, वैसे कलर दोनों ही बढ़िया लग रहे हैं। एंड यहाँ पे टॉप लेड बिल्कुल एकदम प्लेन सिंपल है, VivoBook की ब्रांडिंग है। बाकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है लैपटॉप का, एक हाथ से आराम से लेड ओपन हो जाती है, 180 डिग्री तक चली भी जाती है, और कीबोर्ड फ्लेक्स यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, और टॉप लेड फ्लेक्स हमारे को काफी माइनर सा मिलता है। एंड पीछे से लैपटॉप का कलर थोड़ा डिफरेंट है, जैसे आप देखोगे ना सिल्वर और ऑफ व्हाइट टोन के अंदर है, और पीछे का जो पॉलीकार्बोनेट है इसके ऊपर हल्का सा टेक्सचर सा भी बना हुआ है इसका, और बाकी राइट लेफ्ट में पोर्ट्स और पीछे की तरफ एग्जॉस्ट वेंट हमारे को मिल जाता है, और जो लैपटॉप की एजेस हैं वो भी राउंडेड वाली है, तो एज सच पॉइंटेड फील नहीं होते अगर आप लेके हाथ में इधर उधर रख रहे हो। और जो लैपटॉप का वेट है वो बिल्कुल थिन एंड लाइट कैटेगरी वाला नहीं है, 1.9 केजीज का लैपटॉप है, और अगर चार्जर भी इंक्लूड करते हो तो 2.3 केजीज तक चला जाता है। वैसे 19 mm थिकनेस है इसकी, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं है, ये बीच में स्टैंड करता है गेमिंग और थिन एंड लाइट के। एंड यूएस मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है 810H, यानी कि आपका लैपटॉप कहीं से गिर विर जाएगा कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी लैपटॉप के अंदर। बाकी फिर भी थोड़ा बचा के चलना है भाई, थोड़ी चीज महंगी होती है गिर विर के, डिपेंड करता है कि किस एंगल से गिर रही है, तो वो चीज है। बाकी सर्टिफिकेशन है तो पीस ऑफ माइंड तो देखो रहता है। और यहाँ पे जो स्क्रीन वॉबल है वो हमारे को थोड़ा बहुत मिलता है, और इस लैपटॉप में जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन X126100 इसका मॉडल नंबर है। वैसे ये क्वालकॉम ऑरियन सीपीयू है, जो हमारा 8 कोर्स 8 थ्रेड्स वाला सीपीयू है, मैक्सिमम 28 वॉट तक पावर ड्रॉ कर सकता है, काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है। एंड ये स्नैपड्रैगन एक्स सीरीज का एक लौता ही प्रोसेसर है, इसके अंदर कोई हायरार्की नहीं है, ऊपर नीचे वाले कोई वेरिएंट नहीं है, जो है यही है। Qualcomm Hexagon NPU इसके अंदर हमारे को मिलेगा अप टू 45 टॉप्स की पावर के साथ, यानी कि ये लैपटॉप Copilot Plus सर्टिफाइड हो जाता है। Copilot Plus के फायदे भी आपको बताता हूं। इंटीग्रेटेड Adreno GPU इसके अंदर मिलता है, साथ में 16 GB की LPDDR5X RAM मिलेगी ऑन बोर्ड, 8448 MT/s स्पीड वाली, एंड 512 GB की PCI Gen 4 SSD है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड भी अच्छी खासी है, 6700 के आसपास रीड स्पीड एंड 3600 के आसपास राइट स्पीड। और स्टोरेज अगर आपको अपग्रेड करनी है तो स्वैप करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही SSD का स्लॉट है इसके अंदर, एंड मैक्सिमम कितनी सपोर्ट करता उसको तो पता नहीं, प्रोबेबली 1 TB तक तो हो जाना चाहिए। वैसे ब्रांड को ना इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट देना चाहिए था। और कनेक्टिविटी में वाईफाई 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है, MS Office 2024 लाइफ टाइम के लिए इसके अंदर मिलेगा, एंड Xbox Game Pass 3 months के लिए मिलता है, लेकिन उसका इतना कुछ खास फायदा नहीं है, वो बताऊंगा अभी गेमिंग वाले सेक्शन में। और इस लैपटॉप पे ऑन डिवाइस AI हम टेस्ट करके देख रहे थे थ्रू एनीथिंग LLM, जिसके अंदर हमने लामा 2 ट्राई किया था, जो 13 बिलियन पैरामीटर्स वाला AI मॉडल है, एंड बिल्कुल ऑफलाइन चल रहा था, कोई इंटरनेट वगैरह हमारा कनेक्टेड नहीं था, जिसके रिस्पॉन्स काफी फास्ट थे, काफी मतलब AI वाली बातचीत अगर करनी हो तो ये लैपटॉप हैंडल कर सकता है, बट वो AI मॉडल पे डिपेंड करता है भाई, बड़े बड़े मॉडल आते हैं, ये 13 बिलियन पैरामीटर्स वाला था तो ये हैंडल कर गया, बाकी डिपेंड करता है आपको कैसा रन करना है। और जैसे कि ये लैपटॉप हमारा Copilot Plus सर्टिफाइड है, Copilot के फीचर्स जैसे कि लाइव कैप्शन हमारे को मिलता है, जो पहले के मुकाबले अब काफी बेटर चल रहा है, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट अच्छे से हो जाता है, और इंग्लिश में तो बहुत ही बढ़िया काम करता है, एंड मैक्सिमम 21 लैंग्वेजेस का सपोर्ट है इसके अंदर। बाकी कहीं ना कहीं हिट एंड मिस होता है, बट वो चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो जाती हैं। एंड साथ में ऑटोमेटिक सुपर रेजोल्यूशन, जो हमारा अपस्केलिंग मेथड है, जो गेमिंग वगैरह में काम आएगा, जब अच्छा गेमिंग सपोर्ट मिलेगा हमारे को स्नैपड्रैगन पावर्ड लैपटॉप्स में, तब वो काम आएगा। वही होता है कि आप लोअर रेजोल्यूशन में गेम खेल रहे हो, उसको अपस्केल कर रहा है और अच्छे विजुअल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पता होगा आपको, जस्ट लाइक DLSS, FSR, XeSS वगैरह। एंड पेंट के अंदर को क्रिएटर हमारे को मिलता है, इवन इमेज क्रिएटर भी मिलता है, जिसके थ्रू आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट वगैरह डाल के अपनी इमेज जनरेट कर सकते हो, बट इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट M365 का सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है। सेम इमेज क्रिएशन फोटोज ऐप के अंदर भी हो जाते हैं, उसके अंदर सब्सक्रिप्शन की नीड नहीं है, तो वो आप यूज कर सकते हो। एंड काफी डिफरेंट स्टाइल प्रीसेट्स मिल जाते हैं फोटोज ऐप के अंदर, जो आप ट्राई कर सकते हो अपने अपने प्रॉम्प्ट डालने के साथ साथ,
बढ़िया एकदम रिजल्ट निकल के आते हैं। और एक सुपर रेजोल्यूशन का फीचर मिलता है जो आप फोटोज ऐप के अंदर किसी भी इमेज का रेजोल्यूशन एनहांस कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेस होने में, बट वो अच्छी खासी प्रोसेस हो जाती है। और एक रीस्टाइल ऑप्शन मिलता है फोटोज ऐप के अंदर, लेकिन इसके लिए 365 का सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा। एंड पेंट के अंदर जनरेटिव इरेजर मिल जाता है, वही कि अपना कुछ इरेज करना और वहां पे इमेज जनरेट हो जाती है, जो आजकल फोन्स में मिलता है। एंड विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स मिलते हैं बहुत सारे, जो आपका एनपीयू यूज करता है, ज्यादा लोड ऐसे सीपीयू जीपीयू भी नहीं आता, एफिशिएंसी मेंटेन रहती है। और कोपायलट प्लस फीचर्स यही नहीं, अभी और भी आ रहे हैं जो इनकी वेव 2 है, जिसके अंदर रिकॉल फीचर भी आ जाएगा, जिसके अंदर काफी ज्यादा प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए उसको रोल आउट किया जाएगा। एंड बेटर इंप्रूव्ड विंडोज सर्च हमारे को मिलेगा, और साथ में क्लिक टू डू फीचर भी मिलेगा जो हम फोन में भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप समराइज करा सकते हो, रीराइट करा सकते हो इन डिफरेंट टोनालिटी, जैसे कैजुअल, फॉर्मल, रिफाइन वगैरह। तो वो सब आप लैपटॉप्स में भी आपको मिलेगा। एंड यस, जब ऑन डिवाइस सारी चीजें होते हैं ना, जैसे इधर उधर वेबसाइट पर जाना, भटकना चैटबॉट में, नहीं, लैपटॉप पे करेंगे भाई साहब। ये सारे फीचर्स आपको अर्ली 2025 में देखने को मिल जाएंगे। एंड और भी फीचर्स आएंगे, जैसे कि कोपायलट ऑफलाइन वर्क करेगा, तो जब आते हैं तब टेस्ट करेंगे, फिर आपको डिटेल में बताएंगे। और एसुस के लैपटॉप के अंदर हमारे को स्टोरी क्यूब एप्लीकेशन मिलते हैं, ये जस्ट वैसी एप्लीकेशन है जैसे आपके फोन में गूगल फोटोज की एप्लीकेशन नहीं होती, जिसके अंदर आपको सारे फोटोज एंड वीडियोस दिख जाते हैं, एंड आपने कौन कौन से डिवाइस से वो फोटोज वीडियोस डाल रखा, वहां पे वो डिवाइसेस भी शो कर जाता है। एंड उसके अंदर कैटेगराइजेशन भी हो जाती है, डॉग, ह्यूमन, नेचर, ये वो। और आप सर्च भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पे माउंटेन्स में ऐसे कलर की शर्ट पहन के अगर कुछ आपने फोटो खिंचवा रखे, तो जस्ट सर्च करो, आपको वाली फोटो मिल जाएंगे। एंड इवन एआई के थ्रू वीडियो हाईलाइट भी आप बनवा सकते हो अपने डिफरेंट डिफरेंट फोटोज एंड वीडियोस के मिक्सचर से। एंड वो एनपीयू को यूज करता है, एंड उसका मतलब तो मैं कितनी बार बता ही चुका हूं, वही चीज है। अब थोड़ी सी परफॉर्मेंस में नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले सिंथेटिक बेंचमार्क, यहां पे सिनेमैच R23 के नंबर्स आप देख सकते हो, सिनेमैच 2024 हो गया, एंड उसके बाद हमारा गीकबेंच 6 का बेंचमार्क आप देख सकते हो, और उसके बाद गीकबेंच का एआई वाला बेंचमार्क ये रहा। अभी जो सारे सीपीयू वाले नंबर्स हैं, अगर आप रेगुलरली लैपटॉप की वीडियोस देखते हो तो ये काफी कम नंबर्स हैं, बट हम यहां पे ना जज नहीं कर सकते कंपेयर टू अ विंडोज लैपटॉप, टू अ स्नैपड्रैगन लैपटॉप, क्योंकि वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, उनके चिप्स अलग है, ये बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट है, तो नंबर्स फिर उसके हिसाब से आती है। परफॉर्मेंस भी वैसे भी आपको आगे बताता हूं। और उसके बाद जीपीयू को टेस्ट करने के लिए Geekbench 6 का OpenCL निकाला था, बहुत ही ठीक ठाक सा नंबर है। एंड प्रोडक्टिविटी के लिए हमने पीरियड बेंचमार्क रन किया, जिसमें डाविंची का नंबर हमारा 1061 निकल गया, एंड जो प्रीमियर प्रो है वो 1334 है। तो वीडियो एडिटिंग को कंक्लूड कर देता हूं, ये बिल्कुल परफॉर्मेंस टारगेटिंग मशीन नहीं है भाई साहब। यहां पे आप 1080p लेवल तक की बेसिक वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, 1-2-3 लेयर वाली, उससे ज्यादा हम जैसे इस पर ट्राई भी करके देख रहे थे, तो लैग्स एंड स्टटर्स हमारे को उसके अंदर मिलते हैं। बाकी आप अपनी टाइमलाइन का रेजोल्यूशन और कम कर सकते हो स्मूथर एक्सपीरियंस बनाने के लिए। एंड जैसे कि हम फिल्मोरा यूज करते हैं, फिल्मोरा का भी नेटिवली सपोर्ट नहीं है स्नैपड्रैगन लैपटॉप्स में, वैसे सुनने में आ रहा है कि वंडरशेयर उसके ऊपर काम कर रहा है, तो उसके अंदर ना हमारा आईजीपीयू यूज नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा लोड ना सीपीयू पे ही आता है। एंड प्रीमियर प्रो की ऐप भी अभी डेडिकेटेडली स्नैपड्रैगन लैपटॉप्स के लिए आई नहीं है, वो भी इम्यूलेशन के थ्रू ही चलता है, लेकिन आप काम कर सकते हो उसके ऊपर। एंड फोटोशॉप का अगर पीजेड बेंचमार्क अगर आप देखोगे ना, 5626 निकल गया, और हमने इसके ऊपर फोटोशॉप रन करके देखा, बड़ी से बड़ी पीएचडी चला के देखी, तो यहां पे उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी और बात करते हैं, अगर कोडिंग के लिए चाहिए तो आप ये वाला लैपटॉप आराम से यूज कर सकते हो, मल्टीटास्किंग हो गई, डे टू डे टास्क हो गए, ऑफिस वाले काम हो गए, मूवीज वगैरह आपको देखनी है, तो उसके लिए लैपटॉप ये आपके लिए बढ़िया चॉइस है। उसका एक रीजन है सबसे बड़ा, इसकी बैटरी, इसके अंदर हमारे को 50 वाट आवर की बैटरी मिलती है, लेकिन एक विंडोज लैपटॉप की 50 वाट आवर बैटरी और इसकी भाई जमीन आसमान का डिफरेंस है। वैसे ब्रांड का तो कहना है कि 27 आवर्स तक का वीडियो प्लेबैक आप निकाल सकते हो, लेकिन हमने उसको अपनी टेस्टिंग के हिसाब से रखा। जैसे हमने यूट्यूब चलाया जिसके अंदर म्यूजिक चल रहा था, स्पीकर्स हमारे 100% वॉल्यूम पे थे, ऑफिस वर्क हमारा चल रहा था नॉनस्टॉप, हम अपने हिसाब से एप्लीकेशन चला रहे हैं, जैसे आप मान लो वर्ड, पावर पॉइंट, इस टाइप की आप चीजें कर रहे हो, या ब्राउजर में कुछ सर्फ वगैरह कर रहे हो, वाईफाई आपका कनेक्टेड है, और लैपटॉप को हमने विस्पर मोड पे रखा था, यानी कि बैटरी सेवर वाला मोड हो गया, और 50% स्क्रीन ब्राइटनेस एंड कीबोर्ड बैकलिट ऑफ, उसके अंदर 11 से 12 घंटे का रेगुलर बैकअप ये लैपटॉप निकाल के देखे गया। भाई कितना अच्छा खासा बैटरी बैकअप है, जो एक विंडोज लैपटॉप मिल रहा है इस प्राइस पॉइंट के, X86 वाले लैपटॉप सब लोग, उस पर इतना बैटरी बैकअप आपको नहीं मिलेगा। और जो आइडल ड्रॉप है लैपटॉप का, जैसे भी लैपटॉप ऑन है और हमने इसको ऐसे बंद कर दिया, तो यहाँ पे 12 आवर्स में 1% का आइडल ड्रॉप हमारे को मिला, एंड 24 आवर्स में 3% के आसपास तक, तो ज्यादा इसकी बैटरी भी ड्रेन नहीं होती, ऐसे खाली पड़े हुए। और एक और डाउट तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि अगर हम स्नैपड्रैगन वाला लैपटॉप लेते हैं तो क्या एप्लीकेशंस बिल्कुल नहीं चलेगी? नहीं, हमारे इस लैपटॉप के अंदर सारी विंडोज वाली एप्लीकेशन चलती है। बेसिकली इसके अंदर ना प्रिज्म इम्यूलेटर होता है, जो X86 वाली एप्लीकेशन होती है आम वाले लैपटॉप पे भी चल पाती है, लाइक आप ब्राउजर वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो और भी कोई और एप्लीकेशन हो गई, सब आराम से इसके ऊपर चलती है। और अभी नई नई एप्लीकेशन डेवलप हो रही है इसके लिए, तो वो जब नेटिव सपोर्ट आएगा तब अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस निकल के आएगी। और एक ना वेबसाइट है WorksOnWoA करके, जिसके अंदर विंडोज और आर्म की जितनी भी एप्लीकेशन है जिसका नेटिव सपोर्ट है या इम्यूलेशन के थ्रू चल रही है, आप यहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि वो एप्लीकेशन आपके इस लैपटॉप में चलेगी या नहीं चलेगी या कैसी चलेगी। और ये लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 50% चार्ज हो जाता है 30 मिनट्स में, लेकिन 100% तक होने में 1 hr 40 to 1 hr 50 मिनट्स के आसपास टाइम लगा था। और गेमिंग में आपको पता ही होगा स्नैपड्रैगन के लिए अभी नेटिव गेम्स नहीं आए हैं, जो भी हम गेम्स चलाते हैं वो प्रिज्म इम्यूलेटर के थ्रू चलते हैं, तो जो भी एंटी चीट वाले गेम है जैसे कि वैलोरेंट, वो नेटिवली जब तक रिलीज नहीं होगा वो चलेगा नहीं। तो हमने टेस्ट किया साइबरपंक 1200p पे लो सेटिंग्स पे, FSR3 फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट आ चुका है, उसको क्वालिटी पे रखा, तो हमारे को ऑलमोस्ट प्लेबल टाइप के 27-28 FPS के आसपास आ रहे थे। ट्राई करने का मन भरा, मैंने कहा चलो
लोग कर लेते हैं। लेकिन GTA 5 एनहांस्ड एडिशन हमने टेस्ट किया जिसके अंदर प्रीसेट हमने बिल्कुल मिनिमम पर रख दिया था, 1200 ppm टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे को बढ़िया 40-42 fps के आसपास मिल रहे हैं जो कि प्लेबल फ्रेम रेट है। तो ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा कि जैसे एक थिन एंड लाइट लैपटॉप परफॉर्म करता है एक गेमिंग में, तो उसके हिसाब से हमने टेस्ट कर दिया। ऐसा सच गेमिंग के लिए मशीनरी है नहीं, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। पोर्ट्स के मामले में राइट साइड में USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा, एक पावर इंडिकेशन की लाइट मिल जाती है। लेफ्ट साइड में दो USB 4 टाइप सी वाले पोर्ट मिलता है जो डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करते हैं, DP 1.4 मैक्सिमम 4K 120 हर्ट्ज तक का आउटपुट। साथ में पावर डिलीवरी का भी सपोर्ट मिल जाएगा, 65 वाट का चार्जर है, दोनों पोर्ट्स में आप लगा के चार्ज कर सकते हो। एंड हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर का भी सपोर्ट मिलता है। एंड यहाँ पे HDMI 2.1 का पोर्ट भी है, लेकिन आउटपुट 2.1 वाला नहीं मिला, 4K 60 तक ही मैक्सिमम जा रहा था, HDMI 2.1 में 4K 120 तक जाता है। और इस लैपटॉप में फुल साइज का कीबोर्ड हमारे को मिल जाता है, कीबोर्ड की टाइपिंग फील इज गुड, मतलब जैसा एक वीवो बुक सीरीज का कीबोर्ड होता है वैसा ही कीबोर्ड है। सिंगल कलर बैकलिट कीबोर्ड है, यहाँ पे आप व्हाइट बैकलिट हमारे को मिल जाती है। 4 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस है जिसके अंदर 3 लेवल्स की ब्राइटनेस मिलती है, आप चाहो तो इस लाइट को ऑफ भी कर सकते हो। एंड ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन भी है इसके कीबोर्ड बैकलिट के लिए, मतलब जैसी लाइटिंग कंडीशन में आप यूज करो वहां पे ऑटोमेटिकली कम ज्यादा अपनी लाइट को एडजस्ट कर लेती है। और डेडिकेटेड को पायलट का बटन हमारे को मिल जाएगा, इसको बटन दबाते अपना एकदम कुछ बातचीत करनी हो तो कर लो। और अच्छा खासा बड़ा ट्रैक पैड है, फुली क्लिकेबल वाला है, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है और ट्रैक पैड चलाने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्मार्ट जेस्चर वाला ट्रैक पैड, यानी कि आप एक्सट्रीम राइट साइड से अप एंड डाउन करोगे तो ब्राइटनेस कम ज्यादा होती है, और एक्सट्रीम लेफ्ट से अप डाउन करोगे तो वॉल्यूम कम ज्यादा आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर टॉप से लेफ्ट राइट करते हो तो अगर आपको डॉक्यूमेंट चला रहे हो तो उसके अंदर टेक्स्ट कर्सर आगे पीछे हो जाता है, कोई वीडियो चल रही है तो वीडियो आगे पीछे हो जाती है। और टॉप राइट से अगर आप स्वाइप करोगे तो यहाँ पे स्क्रीन एक्सपर्ट खुल जाता है जिसके अंदर कैमरा, माइक, टास्क ग्रुप वगैरह और जो भी कनेक्टेड डिवाइस होगा तो उसका बैटरी स्टेटस वगैरह भी दिख जाता है। ये वो सारे वीवो बुक वाले फीचर है जो नॉर्मल इनके अदर वीवो बुक्स में भी है, तो ये अच्छी चीज है, इन्होंने इसके अंदर भी दिया। एंड फिर आ जाती है डिस्प्ले, 16 इंच की 16:10 वाली डिस्प्ले, यानी कि 1920x1200 इसका रेजोल्यूशन है। 89% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, यानी कि बेजल वगैरह हमारे को अच्छे खासे कम मिल जाते हैं, व्यूइंग एरिया बढ़िया है। रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का ही है, मेरे हिसाब से 120 हर्ट्ज होना चाहिए था। फिर हमने इसकी ब्राइटनेस टेस्ट करी, यहाँ पे 350 nits की ऑल टाइम ब्राइटनेस निकल गया जो कि अच्छी है। एंड कलर गैमट हमारे को बेसिक ही मिलता है इसके अंदर, यानी कि 66% sRGB, 47% NTSC और Adobe और P3 के नंबर भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कलर एक्यूरेट डिस्प्ले नहीं है, जैसे कि आपको वीडियो या फोटोज में कलर ग्रेडिंग करनी है, अगर आप प्रोफेशनल टास्क करते हो तो आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लेना पड़ेगा, डिस्प्ले आउटपुट आप ऑब्वियसली ले ही सकते हो। इसकी स्क्रीन में अगर आप मूवीज वगैरह देख रहे हो, अपने ऑफिस वगैरह का काम कर रहे हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और ये डिस्प्ले इन्होंने बनाई भी हिसाब से जो स्टूडेंट्स को या वर्किंग प्रोफेशनल को टारगेट करते हैं, क्योंकि ये TUV फ्लिकर फ्री एंड लो ब्लू लाइट हार्डवेयर सर्टिफाइड भी है, यानी कि आंखों को लंबे टाइम तक ज्यादा जोर वगैरह नहीं डालती। एक एक वॉट के दो स्पीकर हैं, फील आती है 2-2 वॉट वाली, यानी कि स्पीकर की लाउडनेस अच्छी है, ऐसा मतलब बहुत ही बढ़िया ही नहीं है जैसे अलग अलग लैपटॉप हम टेस्ट करते हैं ना, तो ये आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करने वाले। एंड स्पीकर्स क्लियर भी हैं, डाउन फायरिंग वाले स्पीकर मिलते हैं हमारे को, तो फ्लैट सर्फेस पर अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और सबसे अच्छी चीज भाई, डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड स्पीकर है, इतने महंगे महंगे लैपटॉप में किसी किसी में होता नहीं है। डॉल्बी एटमॉस का अगर आपको नहीं पता तो फायदा बता दो, अगर आप एक्सटर्नली कोई आपके घर में अच्छी साउंड बार वगैरह है, आप मूवी वगैरह एंजॉय कर रहे हो और साउंड बार कनेक्टेड है लैपटॉप से और लैपटॉप कनेक्टेड आपके बड़े टीवी से, तो भाई डॉल्बी एटमॉस का फुल पावर आप मजा ले पाओगे। और डॉल्बी एटमॉस में एक बार पिक्चर देखनी शुरू कर दी ना अच्छे स्पीकर के थ्रू, बस फिर देयर इज नो वे गोइंग बैक। और ये इसका वेबकैम है, 1080p 30fps वाला वेबकैम मिलता है जो कि अच्छी चीज है, अभी नया स्टैंडर्ड बन चुका है। और माइक भी लैपटॉप के यूज हो रहे हैं एंड क्वालिटी अच्छी है, लाइक यहां पे एक्सपोजर कंट्रोल वगैरह अच्छा है। और बाकी तो आप बताओ कमेंट करके कैसी लगी क्वालिटी। एंड फिजिकल शटर भी मिलता है इसके ऊपर, अगर आप कैमरा वगैरह यूज नहीं कर रहे तो आप इसको बंद कर सकते हो। और ये लैपटॉप IR सेंसर के साथ आता है, यानी कि विंडोज हेलो का सपोर्ट मिलता है थ्रू फेस अनलॉक, आप आराम से लैपटॉप खोलते हो, बटन दबाते हो, एकदम फटाफट आप लॉग इन कर लेते हो, बढ़िया काम करता है। और इस लैपटॉप के अंदर विंडोज स्टूडियो के इफेक्ट्स मिलते ही हैं, जैसे ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, पोर्ट्रेट लाइट, आई कॉन्टैक्ट, बैकग्राउंड इफेक्ट्स जिसके अंदर आप ब्लर वगैरह ऐड कर सकते हो, और क्रिएटिव फिल्टर भी मिलते हैं हमारे को, जैसे आपको चेहरे पे थोड़ा से कलाकारी ऐसी दिखानी हो तो वो यहाँ पे हो जाएंगे। सो दिस इज द फुल रिव्यू ऑफ Asus VivoBook 16X, जो आगे इसका मॉडल है वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, स्नैपड्रैगन एक्स प्रोसेसर के साथ है, तो आप स्नैपड्रैगन वाले लैपटॉप बजट में भी ले सकते हो। एंड इस लैपटॉप की टारगेट ऑडियंस है स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल, जो ऑफिस वाला काम करते हैं, कोडिंग वगैरह आपको करनी है, ब्राउजिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, अल्टीमेटली बहुत अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए एंड साथ में 45 टॉप्स का NPU मिलता है, तो जहां पे भी आप लो पावर AI वाले टास्क करोगे वहां पे आपका CPU GPU पर लोड नहीं आएगा, आपका NPU वो चीजें हैंडल करता है, जिसकी वजह से ज्यादा बेटर आपको बैटरी बैकअप मिलता है। एंड फ्यूचर में ये प्लेटफॉर्म इंप्रूव होना ही होना है, तो आपके क्या थॉट्स हैं इस लैपटॉप के बारे में मेरे को कमेंट करके बताओ। वैसे इसका लिंक वगैरह मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर चेक करना हो कर लेना। बाकी पसंद है वीडियो लाइक मारो, पहली बार और सब्सक्राइब, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।